अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कंप्यूटर साइंस के इस कोर्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, सिक्योरिटी पे बेस करता है, सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड लॉ। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा, यानी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर में जब भी हमने क्या किया, बेसिक जो हमारी है, मतलब हमें बहुत सारी प्रोसेसिंग देने के बाद हमें हमारा जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो स्टोरेज है। यानी कंप्यूटर हमें बहुत सारी प्रोसेसिंग्स देने के बाद हमें स्टोरेज के लिए भी बहुत, मतलब एक उसका एक बहुत बड़ा पर्पज़ है, बहुत एक अहम किरदार है कि हमें उसने हमें स्टोरेज दे दिया, बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। अगर यही स्टोरेज डिवाइसेज हमारे ख़तरे में पड़ जाएँ, अगर वहाँ पर हमारा डाटा ही सिक्योर ना रहे, तो कंप्यूटर हमारे लिए, मतलब कंप्यूटर्स को हम इस तरह से फिर इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, या इनका यूज़ एक लेवल तक कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर की सिक्योरिटी भी क्या है, बहुत बेहतर है। तो इस चीज़ के लिए आपके पास क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, या कंप्यूटर्स के अंदर जो डाटा हम रखते हैं उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि हमें कंप्यूटर को सिक्योर कैसे करना है, हमें कंप्यूटर हमारी मतलब हमारे सिक्योरिटी से क्या कंसर्न होता है, और हम कंप्यूटर को कैसे सिक्योर बना सकते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा होती हैं, या हमारे डाटा की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा होती हैं, जो कि मतलब हमारा डाटा लेके जा सकते हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा, यानी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं, या हमारा मतलब सिस्टम से मतलब हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना और हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाता है। इट प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम डैमेज एज वेल एज अनऑथोराइज एक्सेस, यानी कोई हमारा सिस्टम, मतलब हमारा सिस्टम क्रैश होने से बच जाए, हमारा सिस्टम डैमेज होने से बच जाए, या कोई एक अनऑथोराइज पर्सन, एक मतलब इलीगल पर्सन हमारे डाटा तक एक्सेस ना ले जाए। तो इस एक्सेस को रोकने के लिए, इस डैमेज को रोकने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। जब भी हम किसी सर्वर रूम के अंदर, किसी कंप्यूटर बिल्डिंग के अंदर एंटर होने लगते हैं, तो सबसे पूछते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि हम ऑथोराइज यूज़र्स हैं या अनऑथोराइज यूज़र्स हैं। तो अनऑथोराइज और ऑथोराइज यूज़र्स में फ़र्क करने के लिए पहली चीज़ जो फ़र्क की जाती है वो होती है व्हाट यू हैव, यानी आपके पास कभी कभी जब मतलब सर्वर रूम में एंटर होने लगते हैं, तो आपके पास कोई की, कोई बैज या कोई इस तरह की चीज़ होती है, जिससे आप वो लोग आपको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि जी आप ऑथोराइज यूज़र्स हैं, यानी आपको कंपनी ने या इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के लिए आप अहल हैं। तो वो आपके पास सर्वर रूम तक जाने के लिए आपके पास क्या होता है, एक पासपोर्ट होता है समझ लें, या एक आपके पास क्या होता है, की बैज होती है, जो आपकी आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि व्हाट यू नो, अक्सर अवकात आपके पास क्या होता है, कुछ पासवर्ड्स रख दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल नंबर्स रख दिए जाते हैं, जैसे हम कोई कोड वर्ड्स बना देते हैं किसी चीज़ के, या कोई पासवर्ड रख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ में हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट यू नो, जैसे हम जाते हैं इंटर होते हुए वो हमसे पूछ लेता है कोई पासवर्ड, हम बता देंगे फलां 4297 या इस तरह का कोई वर्ड बोल देते हैं, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जी ये पासवर्ड है और ये वैलिड यूज़र है। तो तब भी हमें वो क्या होता है, सर्वर रूम तक एक्सेस मिलती आती है, या वरना हमें सिक्योरिटी ब्लॉक कर लेती है, या हमें वो हम मतलब उस वहाँ तक हासिल मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसके बाद क्या होता है, व्हाट यू डू में आपके पास क्या होता है कि अक्सर अवकात हमें सिग्नेचर्स वगैरह करने पड़ जाते हैं कहीं पे, या हमें कोई अपनी एक राइटिंग्स में देना पड़ जाता है अक्सर अवकात। अगर चेक के अंदर अगर बात करें हम, चेक क्या होता है, चेक के ऊपर हमें अपनी राइटिंग में सिग्नेचर्स देने पड़ते हैं, तो वो सिग्नेचर हमारी पहचान होते हैं। अगर सिग्नेचर मैच ना हो तो क्या किया जाता है, मतलब हमारे बैंकर हमारे चेक कैश नहीं करता। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, आगे भी हमारे लिए यूज़ होती हैं कि हम कंप्यूटर सिक्योरिटी, या वहाँ पे मतलब एक सर्वर के अंदर इंटर होने के लिए, सर्वर की बिल्डिंग के अंदर इंटर होने के लिए हमसे वो सिग्नेचर्स कराए जाते हैं, या कोई ऐसी करेक्टर्स जो पहले से उनके डाटाबेस के अंदर मौजूद होता है, जो हमने एज एन अपनी आइडेंटिटी रखा होता है, उस आइडेंटिटी को मैच करने के लिए फिर वो हमसे वही चीज़ दोबारा मांगते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, व्हाट यू आर, व्हाट यू आर के अंदर हमारे पास अक्सर अवकात हमारे फेस रिकॉग्निशन आ रहे होते हैं, बायोमेट्रिक्स आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बता रही होती हैं। देखें, फिंगरप्रिंट्स की अगर बात की जाए, बायोमेट्रिक्स की बात की जाए, तो वो यूनिक होते हैं। तो असल में वही हमें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि व्हाट वी आर, या हम कौन हैं प्रॉपरली। या अगर हम आई रेटिना की बात करें, या फेस रिकॉग्निशन की बात करें, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होती हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर ये तीन चार चीज़ें लाजमी होती हैं कि हमसे पूछा जाता है कि व्हाट यू हैव, यानी हमें एक सर्वर रूम तक, या हमारे कंप्यूटर के अंदर, या किसी भी प्रॉपर चैनल तक पहुँचने के लिए हमें इन तीन चार फेजेस
से मुराद ये है कि किसी एक फेज, तीन चार फेज में से वो सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि उनने समझ लें कि की बैच रखा हुआ है, पासवर्ड्स रखे हुए हैं, या बायोमेट्रिक्स रखे हुए हैं, या कुछ भी ऐसा रखा हुआ है, तो हमें प्रॉपरली अथोराइज होके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। यानी हम अनऑथोराइज, यही ये सारे क्या हैं, एक किस्म की फायरवॉल्स हैं जो कि एक अनऑथोराइज यूज़र को ब्लॉक करेंगी और एक ऑथोराइज यूज़र को वहाँ तक एक्सेस देंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास हैं जी कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस क्या हैं? कंप्यूटर वायरसेस बेसिकली ये प्रोग्राम ही होते हैं, ये सॉफ्टवेयर ही कह सकते हैं इनको। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी हमारा कंप्यूटर नॉर्मल चल रहा होता है, तो जैसे ही वायरस एक्टिवेट होता है, या तो वो कभी स्लो डाउन हो जाता है, कभी हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, कभी हमारा कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्किंग स्टॉप कर देता है। यानी इस तरह के हमारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे अक्सर वक्त कभी बोलते हैं जी विंडो करप्ट हो गई है, इस तरह के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरसेस का नतीजा होते हैं। कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, जो हमारे सिस्टम की, हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग ही स्टॉप हो जाती है। अब ये आते कैसे हैं, या क्या क्या डैमेजेस कर सकते हैं, या आपके पास क्या हो सकती हैं, ऐसी फाइल्स जिनको जिनके साथ वायरस अटैच हों, या जो वायरसेस वाली फाइल्स होती हैं उनको हम इन्फेक्टेड फाइल्स बोलते हैं। नहीं, फाइल कंटेनिंग वायरस इज नोन एज इन्फेक्टेड फाइल। यानी वो फाइल जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, वायरस मौजूद होता है, उसको इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। कौन कौन से मेजर डैमेजेस क्या कर सकते हैं हमारे लिए ये कंप्यूटर वायरसेस, कौन कौन से हमें मतलब मेजर डैमेजेस दे सकते हैं? तो इट कैन डैमेज द डाटा एंड सॉफ्टवेयर। पहली चीज़ तो है, ये हमारे सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकता है। यानी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या हमारा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या हमने कोई यूटिलिटीज़ वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ों को डैमेज कर सकते हैं ये। और हमारा डाटा, अब डाटा हमारा कभी कभी ये डिफरेंट वेज में वो कर रहे होते हैं, कभी हमारी कुछ फाइल्स को डैमेज कर देते हैं, कभी कभी क्या कर देते हैं, हमारी पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को ही क्रैश कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को डैमेज कर देना, या हमारा किसी पार्शियल डाटा को डैमेज कर देना, या हमारी पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को ही फॉर्मेट कर देना या ख़त्म कर देना, वो इसी चीज़ के अंदर इट कैन डैमेज द डाटा एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इट कैन डिटेक्ट सम स्पेशल इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स। यानी कभी कभी ये हमारे मतलब सिस्टम्स के अंदर घुस कर हमारे पासवर्ड्स चुरा ले जाते हैं किसी अनऑथोराइज पर्सन के लिए, और वो अनऑथोराइज पर्सन हमारे उन पासवर्ड्स को हमारे खिलाफ यूज़ कर रहा होता है। तो ये काम भी एक मतलब वायरसेस का ही होता है कि ये हमारे सिस्टम के अंदर घुसकर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उनको चुरा के ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज होता है हमारे लिए। और तीसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, इट मे स्प्रेड फॉल्स मैसेजेस। यानी आपके पास स्पैम मैसेजेस वगैरह जो आ रहे होते हैं, या इस तरह की फॉल्स स्टेटमेंट्स वगैरह फैलाने के लिए भी वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होती हैं, काजेज होती हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता है, मतलब कि वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर आते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी बेसिक काजेज होती हैं, बेसिक उनकी वजह होती हैं जिसके थ्रू आते हैं। तो पहली चीज़ आपके पास क्या होती है, ईमेल। जैसे हमें पता है ईमेल क्या है, ईमेल हमारा एक कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं। अब उन मैसेजेस के दौरान जब भी फर्ज किया कि मैं अपने कंप्यूटर से क्या करता हूँ, को मैसेज सेंड करना चाहता हूँ किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर, और मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई ऐसा वायरस मौजूद है, तो होता ही है कि जैसे ही मैं कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, या कोई मैसेज इस तरह का मैं क्या करता हूँ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करता हूँ, तो उस शेयरिंग के दौरान वो उस फाइल के साथ मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ वायरस भी क्या हो जाता है, उस फाइल के साथ अटैच हो जाता है। और नेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर जो रिसीवर कंप्यूटर होता है, मेरा सोर्स कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक, जैसे ही वो फाइल रिसीवर कंप्यूटर, जैसे मतलब वहाँ पे वो मतलब फाइल रिसीव होती है और रिसीवर कंप्यूटर उसको डाउनलोड करता है, तो उस डाउनलोडिंग के दौरान वो फाइल जो इन्फेक्टेड, मतलब वो आपकी जो फाइल बनी है, अब उसके साथ जाहिर है मेरी तरफ से वायरस अटैच हो गया, तो वो इन्फेक्टेड फाइल हो गई है। तो वहाँ पे जो डाउनलोड होती है वो इन्फेक्टेड फाइल होती है, यानी कि जो फाइल डाउनलोड होती है साथ उसके वायरस भी डाउनलोड हो जाता है। जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करते हैं, साथ में वायरस भी ओपन हो जाता है, वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह वायरस क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी अगर हम ईमेल करते हैं या मैसेजेस वगैरह शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उन मैसेजेस के साथ ही ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो जाता है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, नेटवर्क्स। अब नेटवर्क की डेफिनेशन हमने क्या की थी कि वन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कम्बाइंड टू फॉर्म ए नेटवर्क। जब एक या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो नेटवर्क बनाते हैं। वो ज्वाइन किस लिए होते हैं, टू शेयर इन्फॉर्मेशन, टू शेयर रिसोर्सेज। नेटवर्क्स की बेसिक वजह क्या है, नेटवर्क्स हम बनाते हैं कि
कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या अपने रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं। अब रिसोर्सेज शेयर करने के लिए या इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम जब नेटवर्क बनाते हैं तो इन्फॉर्मेशन जैसे ही शेयर होती हैं तो वही केस बन जाता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आपके पास क्या होते हैं, जैसे मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं वैसे ही आपके पास क्या हो रहा है, आपका वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी मैसेजेस के अंदर छुप जाता है वो वायरस, या वो आपकी जो फाइल्स आप सेंड करते हैं ओरिजिनल फाइल्स, उन फाइल्स के साथ मतलब उन फाइल्स में मर्ज होके वो दूसरे कंप्यूटर तक रिसीव हो जाता है। तीसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। अब रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया क्या होता है, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया को हम क्या बोलते हैं, जो हमारी जो फ्लैश ड्राइव्स होती हैं या हमारी जो एक्सटर्नल डिवाइसेज होती हैं स्टोरेज के हवाले से, यानी स्टोरेज के हवाले से हमारी जो एक्सटर्नल डिवाइसेज होती हैं उनको हम रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया कहते हैं। अब जब स्टोरेज मीडिया को हम क्या कहते हैं, डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मेरे कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर के अंदर अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करने लगे तो हम स्टोरेज मीडिया का यूज़ करते हैं या रिमूवेबल स्टोरेज का यूज़ करते हैं। अब जब मैं अपने कंप्यूटर से डाटा को कॉपी करता हूँ तो उस डाटा को कॉपी करने के साथ साथ वो फाइल्स भी या वायरस के फाइल्स भी क्या हो जाती हैं, कॉपी हो जाती हैं। अब जैसे ही वो फाइल्स कॉपी होती हैं, जैसे दूसरे सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुँचती हैं जिस कंप्यूटर में मैंने उस डाटा को सेव करना है, जैसे मैं उसके अंदर वो डाटा कट पेस्ट करूँगा तो वो वहाँ पे पेस्ट, वो साथ में वायरस भी पेस्ट, फिर जब उसको रनिंग मतलब उसकी रनिंग को भी डिस्टर्ब, यानी इस तरह से आपके पास क्या होता है, वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। और चौथी चीज़ आपके पास क्या होता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होती है, इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर होती है, जो हम क्या कर रहे होते हैं, यानी कि हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करते लेकिन हम इलीगल कॉपीज वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर यूज़र कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है तो उस पायरेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर भी वायरसेस मौजूद हो सकते हैं। अक्सर कंपनीज तो इसमें जान के भी पायरेटेड मतलब वायरसेस वगैरह रखती हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को सेल आउट करने के लिए। तो ये चीज़ आपके पास क्या होती है, ये एक चौथी मेन काज होती है कि जो आपके वायरसेस को स्प्रेड करती हैं, यानी ईमेल से भी आपके वायरस स्प्रेड हो सकते हैं, नेटवर्क से भी हो सकते हैं, स्टोरेज मीडिया से भी यानी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया से और पायरेटेड सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, वायरसेस को एक्टिवेट कैसे किया जाता है या वायरसेस एक्टिवेट कैसे होते हैं, यानी इनके एक्टिवेशन में क्या होती है, हाउ वायरसेस आर गेट्स एक्टिवेटेड। वायरस जब एक्टिवेट होने के लिए मतलब एक्टिवेशन से मुराद ये होता है कि वायरस अपना काम करना कब स्टार्ट करता है। काफ़ी वायरसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे तो हम उनके फंक्शन पढ़ेंगे, देखेंगे कि कुछ वायरसेस किसी मतलब सर्टन कंडीशन के ऊपर जाके क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। यानी अगर मतलब अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, तो एक फ्राइडे कोड रेड 13 होता है, फ्राइडे कोड रेड 13, तो ये वायरस ऐसा है कि ये एक सर्टन कंडीशन के ऊपर ही एक्टिवेट करेगा। यानी अभी अगर मेरे पास आ गया है तो ये अब मौजूद तो है मेरे कंप्यूटर में लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कब तक, जब तक मेरे कंप्यूटर के अंदर डेट 13 और डे फ्राइडे नहीं होगा तब तक ये कोई भी अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे से स्लीप मोड में पड़ा रहेगा। लेकिन जब भी ये सर्टन कंडीशन मीट हो जाएगी, यानी डे फ्राइडे होगा और डेट 13 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और मेरे कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा। तो इनकी एक्टिवेशन भी क्या होती है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस। तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, हम अपने कंप्यूटर्स को वायरसेस से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर्स को वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के एंटी वायरसेस का यूज़ करते हैं। यानी अगर हमारे कंप्यूटर के ऊपर एक अच्छा सा एंटी वायरस इंस्टॉल्ड नहीं है तो हमारा कंप्यूटर रिस्क के ऊपर है कि उसके ऊपर वायरसेस ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। तब हमें इस चीज़ का एहतियात करना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये ईमेल से बचें या नेटवर्क से बचें या हमारे ये रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया वगैरह ना लगाएं, कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल ना करें अगर हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है। अगर एंटीवायरस है तब भी हमें इन चीज़ों का फिर भी ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ हमने जो देखनी है, हमारे पास एक प्रॉपर सा एंटीवायरस इंस्टॉल हो और उस एंटीवायरस को रेगुलरली हम उसको अपग्रेड भी करें। यानी ऐसा होता है कि हम वायरस एंटीवायरस इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन उसको अपडेट भी नहीं करते और वो ऐसे ही मतलब वो फिर उस मतलब उसके लेटेस्ट फीचर्स को हम उसको अपडेट नहीं करते
और वो वेब पड़े पड़े मतलब उसकी फंक्शनिंग भी क्या हो जाती है स्टॉप, और वायरसेस उसके ऊपर मतलब ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं इसको। एक तो पहला सोल्यूशन हमारे पास, हम एंटीवायरस उसको इंस्टॉल करें। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि अगर हमें कोई मतलब स्टोरेज मीडिया या इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ भी गई है तो हम प्रॉपर लगाते हुए ही उसको क्या करें मतलब अगर हमने कोई रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया लगाया है तो हम उस स्टोरेज मीडिया को पहले स्कैन करें। दूसरा सोल्यूशन हो गया। तीसरा सोल्यूशन आपके पास जो आपकी जंक्स ईमेल्स आती हैं या स्पैम्स ईमेल्स आती हैं उनको ओपन ही ना करें। अगर हम जब तक अगर हम उनको ओपन नहीं करते तब तक वो हमें कोई मतलब एक्टिवेट नहीं होती, जब हम उसको ओपन कर लें तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके अंदर और कुछ नहीं होता सिवाय वायरसेस के। तो ये तीन चार सोल्यूशन है, और बैकअप्स वगैरह लेते रहें हम अपने कंप्यूटर्स के उसमें, ताकि डाटा वगैरह अगर कोई लॉस होने के एंड पे है तो वो भी ना हो। तो ये तीन चार सोल्यूशन हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि हम पहली चीज़ एंटीवायरस इंस्टॉल करें, दूसरी चीज़ हमें अपने एंटीवायरस को रेगुलरली अपग्रेड करना है, दूसरी चीज़ इसके बाद हमने स्टोरेज मीडिया को स्कैन करना है, जंक्स ईमेल्स वगैरह को ओपन नहीं करना, और अपने कंप्यूटर्स के डाटा बैकअप्स वगैरह को भी करते रहना है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पूरे को कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स कि हमने क्या करना है, अपने कंप्यूटर को अनऑथराइज लोगों से या अनऑथराइज पर्सन से क्या करना है, बचाना है अपने डाटा को, अपने सिस्टम को, यानी अपने कंप्यूटर सिस्टम को। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मीन्स कि व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो, व्हाट यू डू, व्हाट यू आर। व्हाट यू हैव में क्या होता है, कुकी बैजेस वगैरह, यानी हम सर्वर रूम एंटर करने से पहले हमसे कुकी बैजेस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। व्हाट यू नो से मुराद हमारा क्या, कुछ पासवर्ड्स वगैरह होते हैं जो ऑरली हमसे पूछ लिए जाते हैं। व्हाट यू डू से मुराद आपके पास कोई आपके सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, और व्हाट यू आर से मुराद आपके आई रेटिना स्कैन, बायोमेट्रिक्स, जो आपकी ये बेसिक चीज़ें होती हैं। यहाँ से आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि आप ऑथराइज यूज़र हैं या अनऑथराइज। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर वायरस। वायरस बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक प्रोग्राम होता है जो आपकी कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर रहा होता है, आपके कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करके आपके मतलब जो आप टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो उसमें एक हर्डल टाइप फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो फाइल्स बनती हैं जिनमें वायरस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड फाइल्स बोलते हैं। बेसिक क्या क्या डैमेजेस कर सकता है, हमारे डाटा और सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकता है, हमारे इंफॉर्मेशन को चुरा के ले जा सकता है, और कोई फॉल्स मैसेजेस या झूठी अफवाहें इस तरह के काम भी कर सकता है। काजेज क्या है, मेन काजेज आपके पास क्या है, ईमेल्स हैं, नेटवर्क्स हैं, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं। पहले तीन तो हो गया, ईमेल, नेटवर्क्स, इन रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, यानी हम जब सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डाटा को लेके जाते हैं तब वो सोर्स में से ही डाटा के साथ ही वो फाइल्स छुप जाती हैं, यानी वायरस फाइल्स छुप जाती हैं और वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक ले जाते हैं। जबकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपकी क्या होती हैं, इलीगल कॉपीज होती हैं। और एक्टिवेशन कैसे होती है, एक्टिवेशन क्या होती है, जब एक सर्टेन कंडीशन तक होती है, जब वो सर्टेन कंडीशन मीट होती है तब वो वायरस एक्टिवेट हो जाती हैं। और वायरसेस को हम अपने कंप्यूटर्स को वायरसेस से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर प्रॉपरली एंटीवायरसेस को इंस्टॉल करें, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया से अगर हमने लगाए तो उनको हम स्कैन करें, जंक्स ईमेल्स हम ओपन ना करें, और अपने डाटा बैकअप्स लेते रहें। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस देखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह।